नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में सरिया और लोहे की चादरों का काम करने वाले कारोबारी को भेल इलाके से दो बदमाशों ने पिस्तल की नोक पर अगवा किया। आरोपी उन्हें मिसरोद आशिमा मॉल तक लेकर पहुंचे। रास्ते में मारपीट के साथ ही बदमाश उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। जान से न मारने के एवज में 45 लाख रुपए की मांग की गई। यह रकम मंगलवार दोपहर 4 बजे तक देने की बात कही गई थी। बाद में बदमाश ने रकम मांगने के लिए कोई कॉल नहीं किया। रात के समय फरियादी ने एक दोस्त के साथ थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया है। राजधानी में पिस्तल की नोक पर सरिया लोहा कारोबारी का अपहरण कर 45 लाख की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भेल ग्राउंड में खड़े बदमाशों ने फरियादी की कार में ही उन्हें बंधक बनाया। आरोपी उन्हें मिसरोद स्थित आशिमा मॉल तक लेकर पहुंचे। रास्ते में मारपीट के साथ ही बदमाश उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। जान से न मारने के एवज में 45 लाख रुपए की मांग की गई। यह रकम मंगलवार दोपहर 4 बजे तक देने की बात कही गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात आला अधिकारियों ने भी घटना का स्थल का मुआयना किया और फरियादी से पूछताछ की। संदेह को सीसीटीवी फुटेज में खंगाला जा रहा है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि पद्मनाभ नगर में अंकुर मित्तल रहते हैं। वे इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे का सरिया व चादर बेचने की थोक कारोबार करते हैं। बेल ग्राउंड के पास में स्थित एक पान की दुकान में पान खाने रुके थे। पान लेने के बाद कार में बैठे दो बाइक पर सवार दो आरोपी आए। उन्होंने फरियादी की कार का गेट खोला, एक ड्राइविंग सीट के साइड में बैठा, जबकि दूसरा पिछली सीट पर साइड में बैठे युवक ने फरियादी से हाल पूछा और पिस्तल निकालकर उन्हें कमर में अड़ा दी। विरोध न करने की धमकी देते हुए कहा कि कहाँ जा रहे हो, कार वहीं ले चलो। फरियादी उनके बताए अनुसार होशंगाबाद रोड तरफ गया। रास्ते में आरोपियों ने कहा कि बहुत ज्यादा कमा रहे हो, कुछ हिस्सा हमें भी दे दिया करो। आरोपियों ने उनके जान से मारने के एवज में 45 लाख रुपए की मांग की। इस रकम को बदमाशों ने कल दोपहर 4 बजे तक देने को कहा। फरियादी ने जान से बचाने के लिए उनकी बातों पर हामी भर दी। एक आरोपी ने फरियादी को चाटा मारा, होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल के सामने कार को रुकवा दिया। वहां से दोनों बदमाश कार से उतर गए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरियादी अपनी 7 साल की बेटी और मां के साथ रहते हैं। इसी साल फरवरी माह में नागपुर की निवासी पत्नी से उनका तलाक हुआ है। इसके बाद से ही पत्नी वहीं रह रही है। इधर पुलिस का कहना है कि मामले में फरियादी की व्यक्तिगत रंजिश से लेकर तमाम एंगल पर जांच की जा रही है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। इसमें जो घटनाक्रम पुलिस के समक्ष में आया है, उसमें जो फरियादी है उसके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्ति उसकी गाड़ी में सवार हुए और सवार होने के पश्चात शहर में ही उसको अलग अलग स्थानों पे जो है भ्रमण करते हुए उससे कुछ वार्तालाप किया और उसी के दौरान उसको धमकाया भी गया है। बाद में उसको एक स्थान पर आके छोड़ दिया गया। प्रकरण में पुलिस ने पूछताछ की है फरियादी से। उसका ये कहना है कि कुछ राशि की मांग जो है आरोपियों द्वारा की गई है। पुलिस इसमें जिस रूट पर जिस स्थान पर ये वाहन चला है उसको तहकीकात कर रही है। साथ ही जो इसमें लोग शामिल हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि प्रकरण में अभी तक कोई इस प्रकार का राशि का लेन देन नहीं हुआ है और राशि की मांग भी व्यक्ति को छोड़ देने के बाद हुई है फरियादी को, तो इससे ये संभव है कि पूर्व से ही फरियादी की हिस्ट्री के बारे में ये जानते थे, जैसा फरियादी ने भी बताया है। तो उसके अनुसार पुलिस विवेचना कर रही है और फिर आरोपी को चिन्हित करके आगे कार्रवाई की जाएगी। करने की अधिक है, ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा कड़ी कार्रवाई है जिला बदा रहने से। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।